हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम एक ऐसी लोकप्रिय कथा के बारे में बात करने जा रहे हैं जिनकी भक्ति की चर्चाएं आज भी चर्चित है। एक भक्त जिनकी भक्ति अपने प्रभु के लिए निस्वार्थ है। ओडिशा के एक गांव में दासिया बाउरी नामक एक व्यक्ति रहते थे जो कि बहुत गरीब थे। वह कपड़ा सिलाई का काम कर अपना घर खर्च चलाते थे। एक दिन वह एक ब्राह्मण के घर कुछ कपड़े बेचने के लिए गए थे। वहां उन्होंने एक नारियल का पेड़ देखा जिसमें बहुत सारे नारियल थे। वह देख उनको प्रभु श्री जगन्नाथ जी को नारियल अर्पण करने का ख्याल आया। बहुत गरीब होने के कारण उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वह नारियल खरीद सके, इसीलिए वह ब्राह्मण से कपड़े के बदले नारियल का सौदा कर लिया। उस दिन उनके घर में किसी को भी खाना नसीब नहीं हुआ, लेकिन फिर भी दासिया बाउरी खुश थे। दूसरे ही दिन उनके गाँव से एक ब्राह्मण पूरी जगन्नाथ मंदिर की ओर प्रस्थान कर रहे थे। दासिया बाउरी उनको नारियल लेके भगवान जगन्नाथ जी को अर्पण करने का अनुरोध किया। दासिया ने ब्राह्मण को बार बार यही कहा था कि वह नारियल को हाथ में लेके गरुड़ स्तंभ के सामने खड़े होके भगवान जी को यह कहे कि दासिया बाउरी ने आपके लिए नारियल भेजा है, अगर भगवान खुद अपने हाथों से नारियल लिए तो ठीक है, नहीं तो नारियल वापस ले आए। वह ब्राह्मण को यह सब मजाक जैसा लगा, लेकिन पूरी पहुंचकर दासिया की खुशी के लिए वह गरुड़ स्तंभ के सामने नारियल को हाथ में पकड़कर बोले कि हे प्रभु जगन्नाथ, यह नारियल आपके भक्त दासिया बाउरी ने आपके लिए भेजा है, कृपया कर इसे ग्रहण करें। तभी वहां से नारियल गायब हो जाता है। यह सब देखकर ब्राह्मण आश्चर्यचकित हो जाता है, उनकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। वह दासिया की निस्वार्थ भक्ति के बारे में प्रशंसा करने लगे। धीरे धीरे यह खबर ओडिशा में फैलने लगा। सब कोई दासिया बाउरी की यह अद्भुत भक्ति के बारे में प्रशंसा करने लगे। आज भी लोग दासिया बाउरी की इस भक्ति को मिसाल देते हैं। सच में श्री जगन्नाथ जी की लीला अपरंपार है। जय जगन्नाथ।